Poonam. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ बन रहा है पोहा। तो दूध और पानी के साथ ऐड कर दिया था मैंने रेड लेबल टी, और फिर उसमें ऐड कर दिया था अदरक, गोल मिर्च मीन्स काली मिर्च, और जब सब पक गया तो बस चीनी डाल के मैंने उतार दिया। और मैं साथ में बना रही हूँ पोहा। तो पोहा में मैंने पहले तड़का दिया मस्टर्ड सीड्स का, और फिर गाजर और प्याज काट के डाल दिया है। और फिर जब हल्का सा ब्राउन हो गया, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है करी लीव्स, हैंडफुल ऑफ करी लीव्स, और फिर नमक और हल्दी पाउडर, और फिर अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और थोड़ा पक जाने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पोहा। तो पोहा धो के मैंने साइड कर दिया था, और उसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड करके रख दिया था। अब अच्छे तरीके से सबको हम मिला लेंगे, और फिर लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला और फिर से थोड़ा नींबू। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। जब सर्व करें तो आप उसके ऊपर से डाल सकते हैं भुजिया या कोई सेव या कोई मिक्सचर, चनाचूर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने चिल आउट किया, और लंच में मैंने वन पॉट मील बनाया था पनीर विद वेजिटेबल्स। लंच के टाइम मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो उसका रेसिपी मैं फिर कभी शेयर कर दूँगी। सो एट लास्ट 2 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क रवि को ऑफ मिला, और फिर और मुझे बर्थडे ट्रीट मिला। तो शाम को हम गए डिनर के लिए, और सो मैं रेस्ट हम लोग फिर रेस्ट करके फिर शाम को तैयार हो गए। और सब हम सब ने वाइट ड्रेसअप किया था, और ये ज्वेलरी मैंने जो रवि ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे गिफ्ट, वो मैंने पहना है। एंड रेडी टू गो। तो डिनर के लिए हम गए थे ग्रेस कॉटेज। ये भी आपका ग्रेस बे में ही है, प्रोवो में, और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। और इंटीरियर उसका बहुत ही क्यूट लगा मुझे, मतलब बुशेस के बीच बीच में आपका सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, एंड ग्रीनरीज है, तो इट वाज लुकिंग नाइस। और आई सेड टू रवि शायद सुबह के टाइम में आने से अच्छा होता लंच के लिए, तो उसने कहा नहीं, रात में ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड ऑल। तो आई विल शो यू द प्लेस, प्लस मैं आपको खाने का रिव्यू भी दूंगी, और क्या क्या हमने खाया वो भी मैं बताऊंगी, ताकि आपको कुछ रफली आइडिया मिल जाए कि कैसा है यहाँ का खाना। और खाना तो सभी अच्छा मिलता है, बट स्टिल आई विल गिव यू सम रिव्यूज़, ये मेरे तरफ से। तो हम पहुंच गए, और हम वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी बुकिंग था, और हमारे पहले भी लोग आए हुए थे तो वो लोग लाइन में थे, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। पीक सीज़न होने की वजह से काफ़ी गेस्ट लोग आए हुए हैं, और हर जगह अच्छा खासा भीड़ है। और कम इतना मैं वीडियो ले रहा हूँ। Dugu smile. Dugu, what we are here for? Mama birthday. Mama birthday dinner. Post mama birthday. Celebration. No, post birthday celebration. Very nice. Yeah, we'll go now. So Pura was very excited ki mama ka birthday party hai.
तो स्टार्टर और मील आने के पहले वो लोग ब्रेड सर्व करते हैं विद सम डीप एंड बटर्स एंड सम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी कुछ मिक्स रहता है, तो वैसे उन लोग सर्व करते हैं बिफोर द स्टार्टर्स एंड मील। सो वी आर हैविंग दैट वन। और पूरब को ब्रेड काफ़ी पसंद है तो वो लेके पहले ही खाने लगा एंड ही इज़ डूइंग हिज कलरिंग एंड पापा एंड पूरब वॉज डिसाइडिंग द मील बाय सीइंग द आलाकाट। तो मैं बैठ के आपको व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ से मैं बैठी हूँ वहाँ से ऐसा व्यू दिखता है। और ये पूरा सीटिंग एरिया है और यहाँ का बार भी काफ़ी फेमस है, तो मैं आपको बार की तरफ भी ले चलती हूँ दिखाने के लिए कुछ देर में। तो रवि डीप के बारे में बता रहे थे, जो विच इज़ मेड अप ऑफ गार्लिक एंड पॉर्क, और भी बता रहे थे आप किसके किसके साथ खा सकते हैं और उसको एज अ डीप भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इट वाज नाइस। और यहाँ पे रवि मेरा फ़ोटो क्लिक करते हुए किसके किसके साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, कि पति लोग थोड़ा बोर हो ही जाते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। सो हियर कम्स आवर ड्रिंक्स। मैंने ऑर्डर किया था बेरीज कोलाडा और रवि का हार्ड ड्रिंक था। तो चलिए जब तक हमारा खाना आता है तब तक हम आपको बार काउंटर के तरफ ले चलते हैं और छोटा सा शॉर्ट टूर करा देते हैं। तो ये है यहाँ का बार काउंटर विच इज़ वेरी फेमस इन दिस एरिया। और हियर पूरब एंड रवि इज टॉकिंग टू द पर्सन, ही इज़ नोन टू हिम एक्चुअली। और ये देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से है, और यहाँ से भी इस तरफ भी आपका सिटिंग एरियाज है। जहाँ से उस तरफ हम बैठे थे वहाँ से मैं यहाँ का आपका व्यू दिखा रही थी। तो दिस इज़ हाउ, और आउटसाइड भी आपका बैठने वाला जगह है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, उसके आसपास भी काफ़ी सिटिंग एरिया है और काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं और उसके जहाँ पे रवि बैठे हैं उसके पीछे काफ़ी बड़ा एरिया है बैठने का, और इस तरफ भी जहाँ पे हम इंटर हुए थे, जहाँ से हम इंटर हुए थे। और यहाँ पे आ गया है पूरब का पास्ता, ही लव पास्ता, सो उसके लिए बाहर में हम ऑर्डर वही करते हैं और हम जो खाते हैं उसमें से भी उसको देते हैं, पर वही है फोर्सफुली वो खाता है, अपने इंटरेस्ट से नहीं खाता। ही इज़ नॉट एट ऑल फूडी लाइक अस। एंड हियर कम्स आवर स्टार्टर विच इज़ आर्टिचोक सूप एंड स्टीम एस्पर्गस विथ ट्रफल हॉलैंडाइज सॉस। और बहुत ही यमी लगा, टेस्टी लगा, मैंने पहली बार ट्राई किया आर्टिचोक सूप एंड इट वाज रियली यम। हाउ इज इट? नाइस। अच्छा, नाइस पास्ता, वेरी नाइस। यू लाइक योर पास्ता? या, गिव मी हाई फाइव, गुड जॉब। सो पूरब इज एंजॉयिंग हिज पास्ता, और वो हमारा स्टार्टर एक भी टेस्ट नहीं किया, बट मेन कोर्स से उसने थोड़ा खाया था। एंड हियर कम्स रवि, मेन कोर्स उसने ऑर्डर किया था, दैट इज़ ग्रिल लैम्ब चॉप विथ बेक पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स। और मैंने ऑर्डर किया था ग्रिल सैल्मन विथ स्टीम वेजिटेबल्स। सो ये हमारा मेन कोर्स है और ये भी बहुत टेस्टी था।
बहुत यम्मी लगा हमें खा के एंड वी आर रियली फुल. आई मस्ट से द फूड वॉज अमेजिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी बाय माई हस्बैंड. सो थैंक यू हस्बैंड, इट वॉज रियली वंडरफुल सेलिब्रेशन. Happy birthday to you. Happy birthday dear Poonam. Happy birthday to you. Yeah, I know I'm the best singer already. I tried. Thank you. Happy birthday. Thank you. तो हमारे डेजर्ट के साथ उनके तरफ से भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन का डेजर्ट आया एंड इट वाज सो क्यूट. थैंक यू. एंड हमने ऑर्डर किया था क्रेप सुजैत, हमारे डेजर्ट का नाम था, और उन्होंने भेजा था लावा केक विद आइसक्रीम एंड दैट वाज माई बर्थडे सेलिब्रेशन एंड्स. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन. बाय बाय, टेक केयर.